hello everyone welcome to apti plus academy for civil services this is a video on daily topic wise news analysis where we cover two important newspapers that is the hindu and indian express so let's get started with the topic so the first topic for the today's discussion is indigenous vaccine for pneumonia the second topic is national curriculum framework on polish education the third topic is Moderna vaccine for covid-19 the fourth topic is

दिस इज द ग्रेट न्यूज़ कमिंग फ्राम इंडिया और हमारी बेसिकली ये इंडिजिनस वैक्सीन बनी है निमोनिया के लिए सिरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया उन्होंने डेवलप किया है सो दिस न्यूज़ यू कैन फाइंड इन द हिंदू न्यूज़ पेपर एंड टॉकिंग अबाउट द रेलवेंस ऑफ दिस न्यूज़ सो दिस न्यूज़ इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द प्रिलिम्स एग्जामिनेशन प्रिसाइजली जहाँ पे जनरल स्टडी प्रिसाइजली ये प्रिलिम्स में तो इम्पॉर्टेंट है ही उसके अलावा जनरल स्टडीज़ के पेपर थ्री जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात की गई है या साइंस इन एवरीडे लाइफ में वहाँ पर मेन्स पर भी कुछ सवाल में आप इसको यूज़ कर पाओगे सो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया जो हमारे डीसीजीआई है दिस इज द एपिक्स बॉडी जो कि अप्रूव करती है किसी भी ड्रग्स को फाइनली व्हेन इट्स कम टू द ह्यूमन ट्रायल और जो उसको कमर्शियली उसके यूज़ से पहले डी की अप्रूवल चाहिए होती है तो डी ने अप्रूव किया है फर्स्ट फुल्ली इंडिजिनस बेसिकली कॉन्जुकेट वैक्सीन है फॉर निमोनिया और जो वैक्सीन है दैट इज डेवलप्ड बाय द सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एस के नाम से भी इसको जानते हैं दिस इज अ प्राइवेट इंस्टीट्यूट विच इज सिचुएटेड इन पुणे एंड द वैक्सीन इज यूज फॉर एक्टिव इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट निमोनिया राइट ना यहाँ पे दो ऑफिस काफी दो चीज़ों के बारे में जानना काफी जरूरी है एक तो डी और एक सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मैं आपको आगे सबके बारे में तो फर्स्ट DCGI के बारे में समझ लेते हैं डी एक एपिक्स बॉडी है एक रिस्पॉन्सिबल बॉडी है जो कि अप्रूवल ऑफ लाइसेंस फॉर स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ ड्रग्स सचस ब्लड ब्लड प्रोडक्ट्स फोर फ्लूड्स जो होते हैं या फिर वैक्सीन ये सारी चीज़ों को बेसिकली uh, जो अप्रूवल्स आती है वो डी की तरफ से आती है एंड इट फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर तो मिनिस्ट्री भी कई बार इंपॉर्टेंट है यू पी कैन डायरेक्टली आस्क यू टू स्टेटमेंट क्वेश्चन so you uh, it would be very essential for you to understand AND know what is the exact ministry for the DCGI. now coming to the clinical trial jo clinical trial ko approval mil gaya to jo serum institute of india hai unko approval di gayi thi phase 1 ke liye फिर दे हैव concluded phase टू, and finally after the phase 3 of the clinical trial the pharmacococcal uh, polysaccharides conjugate vaccine has been approved

और जो सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड है पुणे बेस्ड है बेसिकली एंड इट इज अमंग द वर्ल्ड लार्जेस्ट वैक्सीन मैन्युफैक्चर तो वर्ल्ड के जो टॉप प्रोड्यूसर्स uh, हैं वैक्सीन के लिए उसमें सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का भी नाम है इन्होंने इससे पहले जो वैक्सीन्स बनाई है दैट इज फॉर पोलियो डिपिथेरिया टेटनस हिप बी हेपेटाइटिस मीजल्स पम्प्स एंड रूबेला वैक्सीन्स सो दे आर एक्सपर्टीज इन दिस एंड दे हैव डेवलप्ड दिस टाइप ऑफ वैक्सीन्स ना मोर अबाउट वैक्सीन की अगर मैं बात करें इसके बारे में कुछ और वैक्सीन के बारे में आपको बताऊं मैं तो ये एक्टिव इम्यूनाइजेशन है जहाँ पे अगेंस्ट जो हमारी इन्वेजिव डिजीजेज है निमोनिया उसको जो सिट्रोपोकस निमोनिया बेसिकली के नाम से भी जाते हैं इन इन्फेंट्स में तो उनको क्योर करेगी बेसिकली होगा क्या वेन चिल्ड्रेन टेक बर्थ तो एक सबस्टैंड uh, एज पे उनको इस वैक्सीन को दिया जाएगा एंड दिस वैक्सीन इज एडमिनिस्टर्ड इंट्रामस्कुलर तो ये बेसिकली इंजेक्शन के थ्रू विद इन मसल्स ये दिए जाएंगे राइट सो दिस इज अबाउट द वैक्सीन एंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर इंडिया दैट वी हैव डेवलप्ड एन इंडिजिनस वैक्सीन फॉर निमोनिया दैट वॉज लॉन्ग बिंग ड्यूड राइट नाउ द अदर टॉपिक दैट इज नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द पुलिस एजुकेशन आप इस एडिटोरियल को आज के इंडियन एक्सप्रेस के न्यूज़पेपर में भी पढ़ सकते हैं दिस इज प्रिसाइजली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज पेपर फोर जहाँ पे केस स्टडी से रिलेटेड जो सवाल हैं वहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है बात करें प्रिलिम्स के लिए तो प्रिलिम्स में यहाँ पे कुछ सवाल ज़्यादा बनते नहीं हैं, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज मेन्स पेपर एंडलीट इज इंपॉर्टेंट फॉर द केस स्टडीज़ तो बात करें जो कॉस्टोडियल डेथ है जो टुडूकोडी बेसिकली दिस इज इन तमिलनाडु अभी रिसेंट में जो फादर और सन की जो डेथ हुई थी कस्टोडियल डेथ हुई है उसके अलावा जो बिकास दुबे की जो पुलिस का इनकाउंटर की गई है सो आफ्टर दिस इंसिडेंट पुलिस वर्किंग एंड द मेथडोलॉजी ऑफ द पुलिस हैज़ कम टू द स्क्रूटनी और जो कस्टोडियल डेथ है स्पेशली इन द टुडूकोडी डिस्ट्रिक्ट इन द तमिलनाडु सो so, uh, इसमें जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है प्राइमरी जो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो काफ़ी हद तक स्क्रूटनी में आ चुकी है इन द पब्लिक डोमेन एज वेल पीपल आर आस्किंग हाउ वट शुड बी द एग्जैक्ट मॉडल ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द पुलिस ना लेसन हमें कुछ लर्न करने की जरूरत है फ्रॉम द मिनिपोलिस इंसिडेंट अभी आपको याद होगा कुछ एक एक डेढ़ महीने पहले यूनाइटेड uh, स्टेट की जो सिटी है मीनू पॉलिस वहाँ पर जॉर्ज फ्लॉइड एक बेसिकली ब्लैक अमेरिकन थे उस उनकी प्रोटेस्ट वहाँ पे यू नो बिकॉज ऑफ एन अमेरिकन उनकी डेथ हो गई थी ना पुलिस हैज़ उसके गले पे काफ़ी टाइम तक उसको फोर्सफुली नीज से उसके गले पे दबा के रखा गया एंड आफ्टर एट टू नाइन मिनट्स ही डाइड सो यू मस्ट हैव रेड दिस न्यूज यू मट बी है विद दिस न्यूज़ तो इसको लेकर के जो एक्रोसिटीज़ है यूनाइटेड स्टेट्स में पुलिस अगेंस, के अगेंस्ट उसके लेकर के काफ़ी प्रोटेस्ट हुए और जो ब्लैक अमेरिकन हैं दे हैव नो गैदर्ड अ मैस कैंपेन अगेंस्ट द गवर्नमेंट ठीक है ना तो इन रिजल्ट हुआ क्या गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि जो हाँ मैंने पुलिस काउंसिल ने ये डिसाइड किया है वहाँ पे काउंसिल जो है काफ़ी पावरफुल बॉडी होती है इट्स नॉट लाइक इन इंडिया कि सिर्फ हमारे पास म्यूनसपैल्टी कॉरपोरेशन कौर्पर, है या काउंसिल है जिसका काम से म्यूनसपैलिटी को लेकर के वहाँ पर यू में जो काउंसिल्स होती है वो काफ़ी पावरफुल होती हैं सो वॉट दे डिड दे हैव ड्राफ्टिड टू एबॉलिश द पुलिस एंड रिप्लेस विद द डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी एंड सेफ्टी वायलेंस प्रिवेंशन तो पुलिस डिपार्टमेंट को बात किया गया कि जो पुलिस है उसके नाम को बदल करके डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी सेफ्टी एंड वायलेंस प्रिवेंशन रखा जाएगा क्योंकि पुलिस द वर्ड पुलिस इटसेल्फ गिव अंडू पावर एंड इंपॉर्टेंस राइट तो दिस इज समथिंग अ वेरी गुड स्टेप वेन यू राइट जब आप एथिक्स के पेपर में केस स्टडीज लिखते हैं तो इस तरह के एग्जाम्पल्स आप वहाँ पर कोट करेंगे दिस वुड बी अगेन वेरी हेल्पफुल फॉर यू नो सच आउटरेज हैज बीन फिल्ड इन इंडिया इस तरह की चीजें प्रोटेस्ट जो हैं ना तो इंडिया में कहीं की गई ना तो टुडू कोडी के इंसिडेंट पे ना तो विकास दुबे के इंसिडेंट के बाद नटोरियस क्रिमिनल हैजू बी पनिश इन द कोर्ट ऑफ लॉ नॉट बाय द पुलिस एट सेल्फ राइट सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कंट्री लाइक इंडिया वेर एवरी इंस्टीट्यूशन एंड वी आर वर्किंग इन अंप्लीट डेमोक्रेटिक सेटअप राइट तो जो सोशल फेब्रिक ऑफ डेमोक्रेसी है दट हैज टू बी मेंटेन इन द कंट्री लाइक इंडिया ना बात करें ट्रेनिंग जो पुलिस ऑफिसर की जो ट्रेनिंग्स हैं बेसिकली अगर मैं जो सीनियर ऑफिसर्स हैं आई ऑफिसर्स की बात करूं या आईपीएस ऑफिसर्स की बात करूं आई आईपीएस ऑफिसर्स की तो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन जो मसूरी में है उसके अलावा डेडिकेटेड इंस्टीट्यूट है आईपीएस के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकेडमी जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है तो वहाँ पे इनकी ट्रेनिंग दी जाती है जो लो लेवल ऑफ जो ऑफिसर होते हैं स्टेट लेवल के या जो कांस्टेबल हैं उनको डिफरेंट पुलिस अकेडमीज में ट्रेन की जाती है फिर बात करें अगर ड्यूरेशन की तो जो आईपीएस की ट्रेनिंग होती है वो दो साल की होती है और जो बेसिकली अभी रिसेंट में गवर्नमेंट ने ये भी अनाउंस किया कि नेशनल पुलिस यूनिवर्सिटीज़ भी बनाई जाएगी मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इंडिया में जो लेवल है पुलिस की उसमें हमें चेंजेस लाने की ज़रूरत है और किस तरह से अभी ट्रेनिंग का ड्यूरेशन है उसकी क्लैरिटी आपको होनी चाहिए नाउ एन आई पी एस ऑफिसर इज़ बीन ट्रेन फॉर टू ईयर एंड द इंस्पेक्टर लेवल इज़ बीन ट्रेन फॉर वन ईयर और जो कांस्टेबल है उनकी ट्रेनिंग ऑलमोस्ट नाइन मंथ्स की होती है राइट एंड द क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग अकॉर्डिंगली वेरी विद द स्टेट सो हेयर वी नीड टू इम्पार्ट सम एम्पेथी क्लासेस उनको कुछ ह्यूमन बेसिकली किस तरह से ह्यूमन एम्पेथी को कंट्रोल करना है इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना है एंड जो हमारे ह्यूमन जो इंडिया में जो ह्यूमन राइट्स हैं उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं सारे नो बेसिकली अक्यूज हो या फिर क्रिमिनल हो तो उन सारी चीज़ों को अकॉर्डिंग टू द लॉ डील करने की जरूरत है ना वर्कलोड की अगर बात करें एक बेसिकली ये भी हमें समझना काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि जो पुलिस है दे आर वर्किंग फॉर सिक्सटीन टू एटीन आवर राइट सेवन डेज अ वीक तो कहीं ना कहीं जो हेल्थ में उनकी जो इम्पैक्ट है जो मेंटल अलर्टनेस या फिर जो मेंटल हेल्थ है उसमें सीवियरली इम्पैक्ट होती है Now, एक स्टेट पुलिसिंग ऑफ इंडिया रिपोर्ट टू है उसके मुताबिक सेवेंटी पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री अक्रॉस द ट्वेंटी स्टेट डू नॉट हैव द वायरलेस फैसिलिटीज तो एम्यूनिटीज की बात करें तो वहाँ पर भी कमी है Two thousand fourteen police station do not have telephone. Abhi tak two hundred fourteen police station aise hai, jahan pe telephone hai. And more than forty percent of the police station in the country cannot avail the same forensic technology. So they are lacking in terms of the forensic technology and other equipments. Now all these are bound to have the effect on the functioning of the police and reflect the ways in they are engaged in the public. तो कहीं ना कहीं अगर एम्यनिटीज़ नहीं है सुविधाएं नहीं है तो जो बेसिकली uh, जो प्रोसेस है ऑफ इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन इट्स सीवियरली गेट इम्पैक्टेड और कहीं ना कहीं ये सब चीज कारण है कि जो जो सेकेंड लेवल ऑफ जो ऑकरेंस होती है जो सब्सिट्यूट के तौर पर पुलिस इनको देखती है राइट वे फॉरवर्ड की अगर बात करें सो देर इज़ अ नीड फॉर अ नेशनल करिकुलम ऑन द फ्रेमवर्क एन सी एफ की बात की गई है पुलिस एजुकेशन उनके ट्रेनिंग पे या उनके जो उनके जो टीचर्स हो उनको एपैथी की क्लासेस को इंपार्ट किया जाए चाहे जा वो मेडिकल हो या इंजीनियरिंग सर्विस हो किसी भी तरह के जो सर्विसेज हो यहाँ पे मैं आर्मी की भी बात कर रहा हूँ या फिर एयरफोर्स हो जितने भी हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं सबके लिए नाउट द मस्ट बी डिस्कस डिफरेंट लेवल ऑफ यूनिवर्सिटीज नेशनल पुलिस अकाडमी हैदराबाद एंड द सोसाइटी इट तो इस तरह का एक करिकुलम बनाने की जरूरत है जहाँ पे बेसिकली जो ह्यूमन एम्पथी है जो ह्यूमन इमोशंस है इन टर्म्स ऑफ द पब्लिक सर्विसेज दैट शुड बी इंटरलिंकड ठीक है इससे क्या होगा कि द पुलिस वुड इवर डू गिव देश सर्विसेज विच इज रिक्वायर्ड फॉर दिटिजन सो दिस वॉज देर इन दॉपिक नाव द थर्ड टॉपिक इज मॉडर्ना वैक्सीन फॉर कोविड 19 दिस इज अगेन अ ग्रेट न्यूज कमिंग फ्रॉम द कोविड 19 तो so, बहुत कुछ सक्सेसफुल हमें मिली है इस मॉडर्ना में बेसिकली ये ट्रायल्स चल रही हैं अभी अब्रॉड बात करें इस तरह के न्यूज़ की तो ये आपके प्रल्लम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रलिम्स में स्पेसिफिकली इससे सवाल पूछे जाएंगे मेन्स में शायद आपसे कुछ सवाल पूछे जाएं बट ये प्रल्लम्स के लिए इंपॉर्टेंट है नाव एक एक्सपेरिमेंट चल रही है बायोटेक कंपनी जो मॉडर्ना है उन्होंने प्रोवोक किया कि इम्यून रिस्पांस जो है अगेंस्ट द वायरस उसमें जो रिजल्ट्स दिखी गई है वो काफ़ी पॉजिटिव हैं और ये रिजल्ट पब्लिश हुई है न्यू इंग्लैंड जर्नल फॉर मेडिसिन जहाँ पे 45 लोगों में ये एक्सपेरिमेंट की गई थी हु हैव रिसीव्ड इट राइट तो वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए हैं इस वैक्सीन को लेकर के और आगे भी उम्मीद है कि अक्टूबर के आसपास ये वैक्सीन क्रिएट हो जाएगी ना टॉकिंग अबाउट द मॉडेना के बारे में आपको मैं बता दूँ एक बायोटेक फर्म है बहुत बड़ी कंपनी है जिन्होंने बेसिकली आरएनए बेस्ड वैक्सीन बनाया

एंड दिस वॉज द फर्स्ट कोरोना वैक्न टू बी टेस्टेड इन द ह्यूमेंस राइट ह्यूमन ट्रायल में बेसिकली और ये काफ़ी लोग को इंक्लूड करेंगे अभी जब ये कंपनी ने अनाउंस किया कि जो फेज थ्री ट्रायल हैं दैट वुड बी डेजनेटेड बाय जुलाई ट्वेंटी सेवन तक ये स्टार्ट हो जाएगी और इसमें करीबन करीबन जो वॉलेंट्रेरी लोग जो इन्वॉल्व हैं वो थर्टी थाउजेंड लोग इन्वॉल्व होंगे इस फेज थ्री के ट्रायल में तो अभी तक जितने भी फोर्टी सेवन फोर्टी एट लोगों फिफ्टीज़ में आस पास में जो ट्रायल की गई है वहाँ पर रिजल्ट काफ़ी पॉजिटिव है एंड रिज़ल्ट इज़ वेरी सक्सेसफुल ना वेन वेन द ट्रायल विल बी कम्प्लीटेड दिस इज अगेन अ क्वेश्चन विच हैज बिन आस्ड फ्रॉम एवरी यू नो एवरी वन इज क्यूरियस टू नो कि कब तक ये ट्रायल प्रोसेस कम्पलीट होगी और कब तक वैक्सीन मार्केट में आएगी तो जो ट्रायल प्रोसेस है दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीटेड बाई द अक्टूबर ट्वेंटी ट्वेंटी और एक बार ये जब चीज़ें कंप्लीट हो जाती है उसके बाद नो अनदर थिंगज दैट हाउ द मैन्युफैक्चरिंग गोज तो बट स्टिल इट इज़ नॉट क्लियर की वॉट विल बी द पॉसिबल टू प्रूव द वैक्सीन वेदर इट इज सेफ बाय देन और नॉट तो ये फेज थ्री के बाद ही क्लियर हो पाएगा कि कितनी सेफ्टी है इस वैक्सीन की और बात करें जिस तरह से मास प्रोडक्शन बिलियंस में हमें डोजेस चाहिए होंगे तो सिर्फ एक वैक्सीन नहीं कर पाएगी इसके लिए जैसे इंडिया में कोवैक्सिन है वो बट जनरेट हो रही है ऑक्सफर्ड में कुछ और बन रही है तो नो मॉडिना ने कुछ और बनाया तो ये सारी अलग अलग और भी हमें वैक्सीन की ज़रूरत पड़ेगी ताकि जो बिलियंस ऑफ पीपल है अक्रॉस द वर्ल्ड ये किसी एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है पूरे विश्व को वैक्सीन की ज़रूरत है तो ये प्रोसेस मास्क प्रोडक्शन की भी ज़रूरत है तो कोई सिंगल कंपनी को इसको कम्पीट कर पाना काफ़ी मुश्किल होगा नाउ हाउ डज द वैक्सीन वर्क किस तरह से बात करेगी जो हमारी मॉडर्ना की जो वैक्सीन है दिस इज अ जेनेटिक मटेरियल दैट इज फ्राम द वायरस कॉल्ड एम आर एन एंड इट विल प्रॉम्प्ट द इम्यून सिस्टम जो हमारी इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट करेगी उसको बेसिकली जो टी सेल्स है जो रिस्पॉन्सिव सेल होती है उनको बताएगी कि किस तरह से उनसे उन से जो फॉरन जो वायरस है उसे कैसे फाइट करना है स्पेशली जो फॉरेन वायरस है दैट इज़ कोरोना वायरस तो एक ऑटो इम्यूनिटी बॉडी में जनरेट होगी और वो जो बाहर के जो एंटीबॉडीज़ हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके साथ लड़ाई करेगी नाउ दिस वैक्सीन आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड इन द फेवरेबल इन्वॉल्विंग टी सेल्स दैट आर द पार्ट ऑफ इम्यून सिस्टम तो जो टी सेल्स होते हैं टी सेल्स के भी अलावे अगर मैं आपको डीप में बताऊं तो टी फोर सेल्स होते हैं जो कि बेसिकली इम्यून सिस्टम में काफी ज्यादा काम करते हैं राइट सो दिस इज समथिंग विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट नाउ कमिंग टू द चाइना पोस्ट कोविड एग्रेशन एंड एशिया दिस इज देर इन द हिंदू आपको हिंदू के एडिटोरियल में ये न्यूज मिल जाएगी और बात करें इसकी इंपॉर्टेंस की तो जनरल स्टडीज़ के पेपर टू में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे इंटरनेशनल रिलेशन और हमारी बैलेट रिलेशनशिप विद अदर कंट्रीज में या फिर जो ग्रुपिंग और एग्रीमेंट के जो सिलेबस में ऑलरेडी दिए हुए हैं वहाँ पर ये चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं तो जो रिसेंट इंसिडेंट थी गैलवन वैली में जो ईस्ट ऑफ लद्दाख में हुई है तो उससे चाइना की जो इंटेंशन है जो उनका बिहेवियर है टूवर्ड्स एशिया एंड प्रिसाइसली टॉकिंग अबाउट इंडिया वी हैव कम टू नो कि हाउ चाइना इज इज़ रिस्पोंडिंग तो चाइना गिव द वे फॉर द जियो पोलिटिकल टेंशन कन्फनट्रेशन की वजह से और इसका जो खामियाजा है सिर्फ इंडिया को नहीं और भी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं जैसे वितनाम है मलेशिया है ऑस्ट्रेलिया है इन सारे कंट्रीज़ को भी इसका इम्पैक्ट हुआ है एंड दे आर अलर्ट ऑफ चाइना तो सिर्फ बात करें अगर इंडिया जो जापानीज हैं मलेशियन है और जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट है उन्होंने इसको एक कंक्रीट बेसिकली अलर्ट के तौर पे समझा है एंड दे हैव कंक्रीटेड देयर स्टेप एंड रिड्यूस द इकोनॉमिक एक्सपोजर टू चाइनीज इन्वेस्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग एंड टेक्नोलॉजी तो उनका इन तीन कंट्रीज का खास करके जापान मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि जितना कम हो सके चाइना चाइनीज को इन्वेस्टमेंट में मैन्युफैक्चरिंग में या टेक्नोलॉजी में कम से कम एंट्री देने की जरूरत है अपने कंट्री में राइट नाउ मूविंग अवे फ्रॉम चाइना की बात की गई जैसे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो अभी रिसेंटली जो मीटिंग्स भी हुई है जो वर्चुअल समिट हुई है उसमें इंडिया ने बहुत सारे डिफेंस और मिलिट्री लॉजिस्टिक्स के लिए भी एग्रीमेंट्स किए हैं और जो क्वालिटरल डायलॉग है बिटवीन इंडिया चाइना बेसिकली इंडिया ऑस्ट्रेलिया जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स दे आर क्रिएटिंग अ ग्रेटर स्ट्रॉगर एंड एक्सपैंड इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटरल डायलॉग्स और जो एसोसिएशन फॉर साउथ एशियन है जो आशियन है दैट हेज़ ऑल्सो इज वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट स्टेटमेंट कि जो साउथ चाइना सी में जो मैरीटाइम डिस्प्यूट है दैट शुड भी रिजर्व इन अकॉर्डेंस विद द यू एन लॉ एंड द सी ट्रीटी बिकॉज जो साउथ चाइना सी है उसमें सबसे ज्यादा जो डोमिनस है वो चाइना का है एंड चाइना वॉन्ट कि वो जो पूरा रीजन है चाहे वो पार्सल आइसलैंड वाली रीजन हो वो सारी चीज़ों को वो कैप्चर करके अपने अंदर कर ले बट और भी कंट्रीज के अगेंस्ट आए पूरे आशियान अगेंस्ट है और उनका कहना है कि जो यू लॉ जो सी ट्रीटी टी एंड क्लॉज है उनके मुताबिक चीज़ों को आगे कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए कोई एक कंट्री उस रीजन पर डोमिनेट नहीं कर सकती है ना वट द यू एस नीड टू डू बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स में भी जिस तरह से अभी ट्रेड वॉर चल रहे हैं बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स तो जरूरी है कि इम्प्रूव किया जाए सिचुएशन को यू एस नीड्स अ मेजर शिफ्ट वो बेसिकली चाइना से उन्होंने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ों पर पैंट किया हुआ है और इसी रिटेलिएशन में यूएस ने क्या किया था कि डब्ल्यू एच ओ से भी उन्होंने डिस इंगेजमेंट कर लिया कि दे वुड नॉट बी फंडिंग डब्ल्यू एच ओ ब दे हैव सपोर्टेड अनकंडिशनल सपोर्ट टू चाइना ठीक है डब्ल्यू एच ओ ने दिया हुआ है And the first would be the policy need to start supporting rather than attempting the commander. तो जरूरी है कि एक चाइना centric जो फ्यूचर है उससे हट करके ke indo की तरफ ध्यान दिया जाए jaye and accessing to the indo pacific डिज़ायर desire of the us leadership remains strong और U.S. को अभी भी जो चाइना में जो फेबरली चाइना इज देयर तो उसके अलावा जो एशिया पैसिफिक रीजन है दैट कैन बी द मोस्ट अल्टरनेटिव सब्सटीट्यूट फॉर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका राइट right? यूएसओ so, को बेसिकली जरूरत है कि वो ईस्ट की तरफ आए पैसिफिक रीजन की तरफ आए और जो चाइना की तरफ जो, जो उनकी जो डोमिनेंसी है उसको कम करे एंड आई फील कि ये आने वाले टाइम में बहुत कम हो जाएगी कम से कम यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से राइट नाउ द टॉपिक द लास्ट टॉपिक इज स्टडी ऑन इंडिया पॉपुलेशन सो दिस इज देयर इन हिंदू इसमें कुछ लैंड की जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स है वो बताई गई हैं तो ये आपके अगेन एसे के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऐसे में आप यूज कर पाओगे प्रलिम्स में प्रिसाइजली कुछ ज़्यादा नहीं है बट यू कैन यूज़ दिस इन द देंस ऑल्सो मेन्स में पेपर थ्री पे राइट और जो जोग्राफिक जो जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो करंट में जो ग्रोथ रेट के मुताबिक जो बातें की गई है लैंड एक जर्नल है बहुत ही रिप्यूटेड जर्नल है लैंड मेडिकल uh, जर्नल है तो उन्होंने पब्लिश किया कि जो इंडिया की जो पॉपुलेशन है दैट इज लाइकली टू पीक बाय ट्वेंटी और दैट इज अबाउट 1.61 बिलियन और उसके बाद डिक्लाइन भी बताई गई है कि 1.3 1.03 बिलियन के डिक्लाइन होगी 2100 तक राइट तो ये अभी आने वाले भी कभी कभी एटी ईयर्स वी आर एट अस्सी साल अस्सी साल के बाद तक की यहाँ पे प्रोडक्शन की गई है अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट टू थाउजेंड जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनके जो कैलकुलेशन है यू की कैलकुलेशन उनके मुताबिक इट इज एक्सपेक्टेड कि इंडिया का जो पॉपुलेशन है दैट विल सेटल समवेयर ओवर 1.4 बिलियन एंड दो इट वुड बी रेंजिंग फ्रॉम 2.1 टू 0.9 बिलियन राइट नाउ एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्शन की अगर बात करें तो जो पॉपुलेशन में जो गिरावट देखी जाएगी आने वाले समय में इंडिया में उसके कुछ बेसिकली रीजन बताए गए हैं कि एक फ्यूचर सार पर फॉल होगी पॉपुलेशन में ड्यू टू एजम्पन दैट वीमेन ग्लोबली विल हैव अ हाईर एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव

ट्वेंटी वन जीरो जीरो के लिए अभी ये काफ़ी लेट है इट्स ऑलमोस्ट एटी ईयर्स टू गो बट यही सीक्वेंस फॉलो अप होगी अकॉर्डिंग टू द स्टडीज राइट न मैं आपको ये बता दूँ कि हमने एक डेडिकेटेड चैनल स्टार्ट किया है टेलीग्राम पर जहाँ पर डेली आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं हर सुबह आपको क्वेश्चन मिल जाएगी और अपने आंसर आप हमें शाम छः बजे तक भेज सकते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक को चेक कर ले जहाँ पे आपको इसके सारे डिटेल्स मिल जाएंगे राइट right? और आपको जो कल के आंसर है वो मैं बता दूँ आंसर की तरफ बढ़ते हैं और आंसर बताने से पहले आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू तो सब्सक्राइब फॉरक्राइब एपटी प्लस अकेडमी लाइक बटन ऑन दिस वीडियो तो बढ़ते हैं कल आंसर के आंसर्स की तरफ तो जो पहला सवाल है उसके जो करेक्ट आंसर है वो है ए सो स्टेटमेंट वन इज करेक्ट दैट आत्मसभाज एस्टैब्लिश टू द कैंपेन अगेंस्ट एल केस मीनिंग रिचुअल्स एंड अदर जो स्टेटमेंट टू है वो भी uh, वो इनकरेक्ट है दैट इज आत्मसभा इन कैलकटा

अंडर विच डेवलप्ड नेशन एक्सटेंड द रिड्यूज एम एन एफ जो मोस्ट फेवर नेशन है और उसको ड्यूटी फ्री एंट्री दी जाती है इन सर्टेन गुड्स और डेवलपिंग नेशन को और जो हमारी बेसिकली जी एस पी है दैट इज अ टेरिफ प्रेफरिश्ड एक्सपोर्टर्स टू इनक्रीज द मार्केट शेयर इम्प्रूव अपॉन द मार्जिन कंट्री राइट सो दिस इज इन टर्म्स ऑफ द इंडियन इकोनमी ये आपको जो बेसिकली सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो इंडियन इकोनॉमी जब भाई रमेश सिंह इसमें आपको ये जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस के अलग टॉपिक है जिसमें आप वहां पे पढ़ सकते हैं नाउ मूविंग टू द टू डेज एम सी क्यूज आज के जो सवाल हैं तो पहला सवाल करेंट अफेयर्स है रेफरेंस टू अवार्ड विधर मैंटमेंट इट इज द हाइएस्ट ऑनर एंड इट इज अवॉर्डेड एनुअली टू द इंडिविजुअल और द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम एशिया रीजन फॉर देयर एल्ट्रिस्टिक एंड फेल सर्विसेज ट्रॉफिक सर्विस सो विच अमंग स्टेटमेंट इज करेक्ट वन टू बोथ एंड टू नीद So, whatever you feel is the correct answer, do write your answer in the comment section. And I request you to please participate in the question answer series. This would be again helpful for you to get to the you know correct answer or practice. So, you can a real examination map. Now, moving to the second question from Indian culture, consider the following statement about the Pamshana form of architecture. So, in this type of architecture, is a form of the Dravidian temple, and Pamshana roof do not. कर्ड इनवर्ड रादर देन स्लोप टूवर्ड्स द स्ट्रेट इन सो आप एलिमिनेट करके भी आंसर निकाल सकते हैं ए बी सी या फिर डी सो वट एवर यू फील इज द करेक्ट आंसर राइट योर आंसर इन द कमेंट्स डाउन बिलो और बेसिकली हमने एक मॉक टेस्ट सीरीज भी लॉन्च किया हुआ प्रॉब्लम्स के लिए तो आप इसके भी लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे टोटल ट्वेंटी फाइव टेस्ट हैं थर्टीन फुल टेस्ट और ट्वेल्व करेंट अफेयर टेस्ट यू कैन चेक द लिंक फॉर द मोर डिटेल्स राइट और अगर कोई भी कंसर्न हो मैं नहीं। था नहीं। नहीं। था नहीं। नहीं तो मैं जरूर बताएं विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू फॉर टाइमिंग आई एम साइनिंग ऑफ विश यू ऑल द बेस्ट स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू सो मच